किसी चीज में भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस करो, ठीक है, यही कहेंगे कि अच्छा से करो, बहुत अच्छी बात है। चलो तो देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल 3 और क्या है क्वेश्चन नंबर 11 और 13। चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 पहले देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में किसी को दिक्कत था? एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3। ठीक, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। हाँ, 3x cos 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो देखो, इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तुम्हें बताने के लिए भी। ठीक, एग्जाम्पल 3 यही वाला था सर? क्लास लेके बात करते हैं, ठीक, क्लास लेके बात करते हैं, क्लास लेके बात करते हैं, ठीक ठीक तो एग्जाम्पल 3 सुनंदन, देखो एग्जाम्पल 3 यही वाला एग्जाम्पल ना सुनंदन, देखो यहाँ पे शेयर किया हूँ। ठीक है, देखो इधर तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन को देखो। चाहे तो जो 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हो, 2 sin A sin B, कोई दिक्कत नहीं है यार। प्रोडक्ट जरूर से अगर साइन डिफर कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन देखो, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर मैच करे ये जरूरी नहीं है। फिर फॉर्मूला पुट कर दोगे तो उसका फॉर्मूला पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखो, cos 8x है तो cos 2a का फॉर्मूला पुट कर दो, 2 into 4x, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ठीक है, आंसर अगर मैच डिफर आंसर डिफर कर जाएगा तो उससे कोई फर्क, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम प्रोसेस सही बनाए हो, ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, आंसर ना मिलना ठीक है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हम बनाए वो सही है। अगर तुम अपने आप में, वो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तब, ठीक है, अगर आंसर डिफर कर जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, तो इसलिए उसके उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, तो पहला तो ये बना दो कि 2 cos A cos B। दूसरा दूसरा क्या करो, U into V का रूल लगा दो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, U into V का रूल लगा दो, तो cos 5x बाहर हो जाएगा, sin 3x, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। बस आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो फिर वो किताब की दिक्कत है। ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, 2 cos A cos B बराबर क्या होता है? तो 2 cos A cos B बराबर होता है क्या, cos A+B - cos A-B, ठीक, ये जिसने लगाया है, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, अब जैसे है कि नहीं, मुझे U into V के रूल से बनाना है, कहाँ चला गया सिंगल पूछ के, वो फिर बोलेगा कि सर, ठीक, U into V लगा दो, वाई रूल को बना दीजिए। देखो वाई बराबर क्या है, sin 5x into cos 3x, ठीक, ये है, यही है ना, cos 5x into sin 3x। देखो अच्छा, उल्टा लिखते हैं, साइन के साथ 3x है और कॉस के साथ 5x है। साइन के साथ 3x है, कॉस के साथ 5x है, ठीक, इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा।
इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 5x इंटू साइन 3x। ठीक, इसमें क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो बाहर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यू भी रूल से अगर आंसर डिफर कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आंसर डिफर कर रहा है तो कोई दिक्कत, कॉस थीटा साइन थीटा में आंसर डिफर करेगा, ठीक है, फिर अगर तुमको आंसर मैच ही करवाना है, पूरा आंसर मैच करवा देना है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला यूज कर दो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा है आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या हो जाएगा बताओ, sin 3x इंटू कॉस 5x डिवाइडेड बाई dx, ठीक, इसको क्या करेंगे, cos 5x को अलग कर दो, cos 5x चेन रूल से भी बनेगा क्या, चेन रूल से कैसे बनाओगे तुम, दो फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, चेन रूल से कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे चेन रूल से बोलो, चेन रूल से नहीं बनेगा, डी साइन 3x बाई dx, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, प्लस अब साइन 3x से अलग करो, साइन 3x डी कॉस 5x डिवाइडेड बाय dx, यहां तक किसी का दिक्कत, चेन रूल से नहीं बनेगा गौरव, कौन बोला यू भी सिर्फ अलजेब्रा के लिए वैलिड है, मौसमी कौन बोला ऐसा, ऐसा कौन बोला कि यू भी सिर्फ अलजेब्रा के लिए वैलिड है, ऐसा गलत गलत वलत मत भावना पालो कि सिर्फ अलजेब्रा के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखो cos 5x तो cos 5x ही होगा, cos 5x, अब sin 3x का क्या होगा, 3 sin x, 3 cos 3x, ठीक, प्लस sin 3x रहने दो, ठीक, इनटू cos 5x का क्या हो जाएगा, माइनस 5 साइन 5x, ठीक, यहां तक ठीक है, अब देखो नीचे क्या लिखने जा रहे हैं, 3 cos 5x cos 3x माइनस 5 साइन 5x साइन 3x, ठीक, यहां तक ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा सबका आंसर आया होगा, बोलो ये आंसर आया, ये आंसर आया सबका, जो भी यूबी रूल से बना रहे होगा या प्रोडक्ट रूल से बना रहे होगा,
ये सबका आंसर आया। मौसमी, हाँ ये आंसर आ गया। अब वो आंसर कुछ और दे रखा है, तो देखो यहाँ पे वो इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, फिर वैसे ही यहाँ पे करो, टू से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। अब देखो टू कॉस से कॉस भी, टू साइन ए साइन भी, ठीक है, टू कॉस से कॉस भी, टू साइन ए साइन भी का फॉर्मूला लगा, अगर नहीं आया तो फिर हमसे कहना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा टू कॉस ए कॉस भी का यहाँ और टू साइन ए साइन भी का यहाँ, उसके बाद सॉल्व करके देखो आंसर नहीं मैच करता है कि नहीं करता, ठीक। देखो ना यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा, 8x दे रखा है, 5x और 3x, यहाँ पे देखो 5x है यहाँ पे 3x, ठीक। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए प्लस बी माइनस माइनस नहीं प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस फॉर्मूला याद है कि यार लगाओ यार, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या, टू कॉस ए कॉस बी, सर आ गया। देखे तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपना भी, ठीक है। वैसे ही टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ दूसरे वाले में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अगर ऐसा अवधारणा कोई पाल के रखा है कि यू एंड टू वी रूल अलजेब्रा के लिए है, यू बाई वी रूल एक्सपोनेंशियल के लिए है, वो गलत है सबसे पहला। और अगर तुम्हारा आंसर यहां तक भी आके छोड़ दे रहे हो, यहां तक लाके छोड़ दे रहे हो, तो ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं काटेगा, ठीक। ये सारी चीजें, ये आंसर मिलाने के फिराक में रहोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये आंसर मिलाने के, हाँ ठीक है रोशन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक भी लाके छोड़ दोगे तो सही है, क्यों, क्योंकि हम बड़ा वाला फॉर्मूला तो लगा दे रहे ना, इक्वल टू बी वी रूल, ये वाला तो लगा ही दे रहे हैं हम लोग, तो क्या दिक्कत है भाई। अगर तुम एग्जाम में भी बना दोगे तो ऐसा नहीं है काट देगा वो, यू एन टू बी रूल टीचर भी पढ़ रखा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। कोई भी मेथड बनाओ, बस तुम सही किए हो ये बस ध्यान रखो कि हाँ तुम सही किए हो, सब्जेक्टिव में यही दिक्कत है। हाँ अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव रहता और ये ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन रहता, तब तुम्हें ये चीज करना पड़ जाता, लेकिन अपना तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना नहीं है, और मेंस ये सब सवाल पूछना नहीं है, ये सब सवाल मेंस नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, सुनंदन समझ में आया, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ू, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन लोग पूछ रहा था, एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत तो नहीं है, सबका बन गया,
कौन सा क्वेश्चन था और कौन सा क्वेश्चन पूछना था? एक कोई 14 नंबर पूछ रहा था आई थिंक। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे बताओ? क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार यार फिर से पूछो, कौन सा क्वेश्चन था? बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर, बोलो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताओ यार, फिर लाइट भी गया है और तुम लोगों का टाइम भी चला जा रहा है, तो जल्दी पूछो। हाँ पूछो रहा है सुनंदर, क्वेश्चन पूछो। कौन सा क्वेश्चन था मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या कौन सा क्वेश्चन पूछे थे तुम लोग, इसमें दिख नहीं रहा है यार। कोई बोलो जल्दी से, सबका बन गया? कोई था यार क्वेश्चन नंबर 14 शायद आई थिंक पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख बनाते हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस तुम लोग का क्लास अब खत्म होने वाला है इसलिए क्योंकि इधर लाइट चला गया है ठीक। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन ठीक। अब देखो इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, ये इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो चेन रूल है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो चेन रूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या टी, पहला मेथड टी पुट कर दो ठीक। पहला मेथड, ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ ठीक। उसके बाद क्या होगा कि रूट टी हो जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा ठीक, और रूट टी हो जाएगा और टी बराबर समथिंग है ठीक है। अब इसमें तो ये डीवाई बाई डी टी निकाल लो, यहाँ से डीवाई बाई डी टी और यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स ठीक। डी टी अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे? u by v रूल से dt अपॉन dx निकाल देंगे ठीक। तो क्या हो जाएगा, dy by dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, dy by dt by into dt अपॉन ये चीज कर लो ठीक है। सबसे पहले क्या बताए हम पहला मेथड में कि इस वाले चीज को टी मान लो, रूट के जो अंदर है ठीक है। वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट टी ठीक है, और टी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब ये जो चीजें हैं इसमें यू यू बाई वी रूल लगा दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ऐसा करके ये बन जाएगा, ठीक। बाकी फिर ये डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू डिवाइड बाय डीटी इनटू डीटी अपॉन डीएक्स लगा दो। बोलो समझ में आया? समझ में आया? बोलो। चलो बन जाएगा चंदन, बन जाएगा। दूसरा मेथड में क्या करो, x बराबर साइन थीटा a साइन थीटा पुट करो। दूसरा मेथड हम जो बता रहे हैं वो है क्या, x बराबर a साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। a साइन थीटा पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ए साइन थीटा पुट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सबसे अच्छा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, ए एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दो, ए टेन थीटा पुट कर दो। ये हम होमवर्क दे रहे हैं, एक बार पुट करके देखना कि क्या क्या आ रहा है, एक x बराबर a tan थीटा पुट करके देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो सर 32 नंबर क्वेश्चन, चलो देखते हैं 32 नंबर पे पहुंचते हैं, क्या है 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, अच्छा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई कॉट टू एक्स, तो यू बाई वी रूल लगा दो ना इसमें, क्या दिक्कत है। 32 नंबर में क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई कॉट एक्स, कॉट टू एक्स, y इक्वल टू क्वेश्चन है तुम्हारा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बाई बाई कॉट टू एक्स, कॉट 2x, ठीक। ये है, यही है ना, इसमें u by v रूल लगाओ। किससे किससे ये सवाल बना, बोलो किससे किससे ये सवाल बना, ये सवाल किससे किससे बन गया है, बोलो। एक दो तीन चार पांच बना लिए, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ठीक, इसमें क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, ठीक। dy by dx में क्या करते हैं, cot 2x को पहले पकड़ के रख लेते हैं, ठीक, cot 2x को पहले पकड़ के रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, dy ये sin x लिखो, sin x plus x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना dx,
ठीक, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई डी कॉट टू एक्स बाई डी एक्स, ठीक। ठीक यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉट टू टू एक्स का ये है, बोलो यहां तक, ठीक। अब क्या करना है यहां पे, cot 2x तो cot 2x रख दो, जल्दी से बताओ cot 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का तो हो जाएगा क्या cos x, प्लस 2x, ठीक, माइनस cot 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, sin x प्लस x स्क्वायर, cot 2x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ cot 2x का क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x, और 2x है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो पहले तो यहाँ पे होगा 2 बाहर आएगा, उसके बाद होगा cos x, हाँ 2 cos x माइनस टू कॉस एक्स टू एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, शिवनंदन माइनस टू कॉस एक्स टू कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये आप सही तुम बोले हो, कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाय क्या कॉट बहुत सही, माइनस होगा प्लस, माइनस नहीं होगा, बोलो मौसमी बोलो, माइनस होगा कि प्लस होगा ये बताओ, बोलो सोचो जरा क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये इसका आंसर तुम लोग यहां पे छोड़ सकते हो, यहां पे तुम लोग आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहां पे इसका आंसर छोड़ सकते हो, सही है, ठीक, बाकी आंसर अगर कुछ और दिया है कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको हम क्या सॉल्व करें, ये तो फिर अब 11th की चीज हो जाएगा, तो क्या सॉल्व करें हम, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं सबसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x square theta को 1 plus cot x square theta, तो ये लिख दो, और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin by cos कर सकते हैं, सॉरी cos by sin कर सकते हैं, इधर cos by sin कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, ये अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 12th में अगर ये आता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ये 2 मार्क्स का रहेगा, 2 से ज्यादा कुछ नहीं रह सकता, ये डिफरेंशिएशन का ज्यादा मार्क्स का नहीं आता क्वेश्चन, 2 मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा यूज करवाएगा तो 3 से 3 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं रहेगा, वो जहाँ पे आएगा क्वेश्चन वो हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, और कभी गलती से आ गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि या आ गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान माने जाते हैं 12th के बेसिस पे, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है 12th का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी अब समाप्त हो रहा है, ठीक, तो आज तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक, बाकी यार जिसको क्वेश्चन वेश्चन पूछना है ना वो मुझे भेज दिया करो, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन बना दीजिए, मुझे भेज दिया करो या ग्रुप में डाल दिया करो कि सर ये दिक्कत हो रहा है, ठीक, हम बना के भेज दिया करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर डिफरेंशिएशन आके कंटिन्यू करेंगे, ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछो, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज दीजिए, ठीक है, भेज देंगे, आज कोशिश करेंगे भेजने का, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक है, और ठीक है। अरे यार रोशन मैं क्या कहूँ, क्वेश्चन तो मैं भेज देता, लेकिन तुम लोग कुछ लोग हैं भूख ही नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा डरता हूँ इन सब चीज़ों से कि सर आसान आसान क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, तो ये टफ टफ क्वेश्चन क्यों, ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो है मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। रोशन, तो रोशन, यस सर, क्वेश्चन अगर तुमको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, बाकी अगर यही देखो आरएस अग्रवाल, मैं तो चाहता हूँ कि आरएस अग्रवाल को पढ़ाने के मूड में कभी नहीं रहता हूँ, ठीक है, लेकिन